राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये वाली ऐसी ड्रेस बताऊंगी। वूलन ड्रेस है और ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है मैंने, और इस तरीके से है। बहुत सुंदर सी ये ड्रेस है बनी हुई, बहुत सिंपल सी है ऐसी, तो इसी के बारे में बताऊंगी। तो इसकी मैंने चोली बना ली है पहले से, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो इसी एक ही कलर से मैं पूरी ड्रेस बनाऊंगी, पिंक कलर से बनाऊंगी। येलो कलर से बनाई है, पिंक कलर से बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 mm की ये मेरी क्रोसिया है, और साइड से मैंने इस तरीके से अपने ये वूल लगा रखी है, और ये नॉर्मल सी बेबी वूल है जिससे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, वही वूल है। और फिर हम इसको पहले एक चेन लेंगे, फिर दो, तीन, तीन चेन ली यहाँ पर। उसके बाद इस चेन को छोड़ के इससे अगली चेन में हम ऐसे 2 बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो जितनी भी हमारी ये राउंड है, ये पूरी लाइन में हम हर चेन में दो दो बार ऐसे डबल क्रोसिया बनाते हुए ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम इस चेन में यहाँ से डबल क्रोशिया लेते हुए ये पूरी लाइन हम तो ऐसे हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइन पूरी बना लेते हैं पहले। तो हमने पूरी लाइन इस तरीके से बना के तैयार कर ली है, और अब यहाँ लास्ट में है। तो जो 3 जो चेन बनाई थी, इसी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो एक लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसी जो चेन बनाई है इसी में हम ऐसे इस तरीके से फ्रंट पोस्ट ऐसे बनाएंगे, पहले फिर इन दो फंदों को लिया। इसके बाद यहाँ पे इसके बीच में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस वाले फंदे में ऐसे फ्रंट पोस्ट लिया, फिर इससे अगले में इसमें यहाँ पे इसी के बराबर में ये हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरी लाइन में इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे, फिर जो यहाँ है इसी के बीच से यहाँ पे हम डाल के एक मतलब डबल क्रोशिया पूरी बनाएंगे। फिर इस फंदे को यहाँ पे, और फिर इसी के बीच से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही पूरी लाइन में करते हुए जाएंगे। एक एक जो फंदा है इनको ऐसे हटाते हुए, पहले फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर इसी के बराबर में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया और फिर डबल क्रोशिया बनाई। तो ऐसे हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक डबल क्रोशिया ली, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया ली। इस तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। जो फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं वो ये जो हमारी जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से ऐसे निकाल के ऐसे लेंगे इसको। और जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको सीधा ऐसे डालते हुए इसी होल में और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। तो ये लाइन हमारी पूरी इस तरीके से बन चुकी है, और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरीके से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे, और जहाँ हमारा ये फ्रंट पोस है इसमें इस तरीके से फिर से हम इसी तरीके से यहाँ पे
लेके ऐसे, और यहाँ हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पे एक बार बनाई थी, अब हम इस तरीके से दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। फिर यहाँ जो फ्रंट पोस है इसको इस तरीके से नीचे से डालेंगे क्रोसिया को, और फिर यहाँ इस तरीके से ऐसे बनाएंगे। फिर इसी में दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो पूरी लाइन में हम इसी तरीके से जो फ्रंट पोस है इसको ऐसे लेंगे यहाँ पर, और फिर इसके जो बराबर में होल है इसी में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट पोस है इसको हमने ऐसे बनाया, फिर इसी होल से दो बार डबल क्रोसिया बनाते हुए ये पूरी जो लाइन है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसको पहले बना लें। तो ये लाइन हमारी पूरी बन चुकी है। इस तरीके से हमने ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली है, और ये यहाँ पे स्लिप चैन से इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर तीन चैन हम बनाएंगे यहाँ पे, और ऐसे ही जितनी भी बड़ी आपको ये घेरा रखना है, जितना बड़ा रखना है, इस तरीके से बनाते हुए पूरा कंप्लीट करें। तो अब हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के बाद में दो बार ऐसे डबल क्रोशिया लिए थे, अब ऐसे ही एक लाइन और बनाएंगे दो बार धागा लेते हुए। पहले ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो जैसे हमने इसमें बनाए हैं, पहले यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट, एक क्रोसिया डबल क्रोसिया, उसके बाद दूसरी लाइन में हमने एक फ्रंट पोस्ट लिया, दो डबल क्रोसिया बनाए थे, ऐसे ही इसकी दूसरी लाइन बनाई थी दोनों में, और तीसरी लाइन में हमने ये तीन लिए हैं, चौथी लाइन में भी तीन लिए हैं, और पाँचवीं लाइन में हमने चार लिए हैं, और फिर छठी लाइन में भी हमने चार लिए। तो हमें इतना ही बड़ा बनाना था, तो हमने इतना ही बड़ा बना के, ये अपना जितना भी बड़ा बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा वो अपनी मर्जी है, जितना बड़ा साइज रखें। ऐसे ही किसी भी घेरे के लड्डू गोपाल जी हों उनका घेरा बना के तैयार कर लिए। तो इसमें अब हम फिर से यहाँ पर दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ एक चेन लेंगे, और यहाँ पे जो फ्रंट पोस है इसको हम नीचे से ऐसे डालते हुए ये बनाएंगे, फिर इसी में दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में यहाँ पे फ्रंट पोस ऐसे बनाएंगे, उसके बाद इसके जो बराबर में होल है इसी में दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो इसकी चौथी लाइन है इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करेंगे। तो हमारी ये पूरी लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है ऐसे, और अब इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे, और फिर तीन चेन बनाएंगे ऐसे, और अब हमारी ये चौथी लाइन है। और अब चौथी लाइन में पहले हम फ्रंट पोस ऐसे बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पहले दो डाले थे इस तरीके से, अब यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर इसी होल से दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद में एक चेन लेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो फ्रंट पोस है इसको इस तरीके से नीचे से ऐसे क्रोशिया डालते हुए पहले फ्रंट पोस बनाएंगे, और फिर यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये तीसरा चौथा राउंड है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो हमारा फ्रंट पोस है इसको हम बनाएंगे, उसके बाद एक चेन लेने के बाद में इसी में दो बार, तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरी लाइन में हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फ्रंट पोस के बाद में। तो यहाँ से हमारा ये शुरू हुआ है, इस तरीके से ये लाइनें उभरी हुई बन जाती हैं ऐसी। तो ये बाद में गिन के बताएंगे कितने फ्रंट पोस्ट बने हैं। इस तरीके से ये हमारी पूरी लाइन बन के कम्प्लीट हो गई। तो पहले फ्रंट पोस्ट, उसके बाद ये तीन डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे।
तो ऐसे हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब इसकी हम पांचवी लाइन बनाएंगे। यहाँ से एक तो हमारी सिंपल सी थी जिसमें हमने एक एक बनाई थी, और एक दो तीन चार पांचवी लाइन है। तो पहले हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। उसके बाद इसी होल से जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं, पहले हमने एक बार एक डबल क्रोशिया ली, उसके दूसरी लाइन में दो बार डबल क्रोशिया ली, और तीसरी लाइन में हमने फिर डबल क्रोशिया दो ली, और तीसरी चौथी लाइन में हमने ये तीन बार डबल क्रोशिया ली। और अब हमारी फिर से लाइन बनी है, तो इसमें हम फिर तीन बार डबल क्रोशिया लेंगे इसी होल से। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया ली, एक चेन ली, और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट है इसमें इस तरीके से डालते हुए ये बनाएंगे। और फिर इसी होल से यहाँ से तीन डबल क्रोशिया लेंगे, जैसे हमने नीचे की लाइन बनाई थी उसी तरीके से ये हम दूसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको जितना भी बड़ा घेरा बनाना है तो ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करें। तो या छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, जैसे भी बनाएं, जितना बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो बड़ा बनाएं, छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो छोटे बनाएं। बनाने का तरीका यही है। चोली अपने साइज की है तो ये हमारी 5 नंबर 4 नंबर कान्हा जी की आ जाएगी, तो इसीलिए हम इसका घेरा ये पूरी लाइन ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं। एक फ्रंट पोस्ट, तीन डबल क्रोशिया एक ही होल में, तो ऐसी तिरछी तिरछी ये लाइनें बनती हुई आएंगी पूरे में। तो हम इस लाइन को भी पूरी बना लेते हैं। तो ये लाइन हमारी बन के तैयार हो गई है, और हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे पूरा घेरा बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है ऐसे ही बनाते हुए इसको जाएं। तो यहाँ पे हम फिर तीन चेन लेंगे, उसके बाद यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे जो बनाते हुए आ रहे हैं इस तरीके से, ऐसे तिरछी घूमती हुई लाइन बन जाएगी। और अब हम इसमें चार बार डबल क्रोशिया लेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाया और इसी के जो होल है यहाँ पे इसी में चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार, फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट है इसमें इस तरीके से डाल के बनाते हुए ये पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसी होल में यहाँ पे पहले तीन थे, अब यहाँ पे चार डालेंगे, ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया। तो ये लाइन हम पूरी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा घेरा जितना हमें ये बनाना है उतना हम बना के तैयार कर लें, तभी आपको बताएंगे कि हमने कितनी इसमें ये बनाई है लाइन है और कितना ये बड़ा बनाया है। तो इसको हम पूरे घेरे को बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरा घेरा बन के हमारा इस तरीके से ऐसे तैयार कर लिया है हमने, जितना बड़ा हमें ये बनाना था इस तरीके से हमने ये पूरा घेरा बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ा है यहाँ इस थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, और इसी में जो यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था तो इसके जो होल है इसी में हम इस तरीके से एक दो दो बार ऐसे लेने के बाद में पहले इनको ऐसे बुनेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे। तो ऐसे ये हम पफ बनाएंगे। तो एक तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाया, चार हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे यहाँ पर, इसके बाद इस होल में डालेंगे यहाँ, और फिर एक बार दो, और फिर इस तरीके से इनको घटाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, और इसके बाद में फिर इसी यहाँ पर डाल के ऐसे बनाएंगे। तो पूरी जो लाइन है इसी तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन बनाई, और फिर ये वाला होल है इसमें इस तरीके से डाल के यहाँ जहाँ हम दो बार ऐसे पफ बना रहे हैं दो इस लपेट के फंदे में, इसको आप तीन
चार जितना मोटा मतलब बनाना चाहें वैसे इसे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने दो बार ये बनाते हुए ये पफ बनाया है ऐसे। अब यहाँ ये पूरा जो है फ्रंट पोस्ट, इसको पूरा हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ हम तीन चेन बनाएंगे। पहले हम यहाँ एक एक चेन बना रहे थे, अब तीन बनाएंगे। तो दो तीन, तीन चेन बनाई और इसको पूरा स्किप कर देंगे यहाँ पे, और इस वाले में जो हाँ ये फ्रंट पोस्ट है इसमें ये डाल के पफ बनाएंगे ऐसे, एक दो। फिर इनको ऐसे बुनते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाई, फिर अगले वाले में इसमें इसी तरीके से बनाएंगे, फिर चेन बनाई, फिर इससे अगले वाले में इसी तरीके से। जहाँ हमें दो बार ऐसे लपेट रहे हैं वहाँ तीन बार भी आप ले सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई और ये वाला जो है इसको हम स्किप कर देंगे पूरे को, और इस वाले में बनाएंगे एक दो। फिर एक चेन लेंगे, इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके जैसे बनाया है ऐसे ही बनाते हुए हम पूरा राउंड ये बना लेते हैं पहले। तो ये पूरी लाइन हमारी ऐसे हमने बना के ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हम आउटलाइन करेंगे, तो वो कैसे किनारी बनाएंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे जोड़ लिया है, और अब यहाँ ब्लैक ऊन लगाई है हमने जिसकी हमें किनारी बनाना है। जैसे हमने इसकी बेडिंग की है नीचे, तो इसको हम पहले एक चेन लेंगे और फिर यहाँ सिंगल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे। जहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था वहीं पे हम इसको सिंगल क्रोसिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद में फिर इसी में एक बार सिंगल क्रोसिया बनाएंगे ऐसे। फिर इससे अगले वाले में जो यहाँ इसमें ऐसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोसिया लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर जहां हमने सिंगल क्रोसिया ली थी इसी में एक बार फिर से सिंगल क्रोसिया ऐसे बनाएंगे। फिर इससे जो अगला वाला है यहाँ इसमें हम ऐसे पहले सिंगल क्रोसिया लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, उसके बाद इसी में फिर एक बार फिर हम सिंगल क्रोसिया लेंगे। फिर इससे अगले वाले में ऐसे ही हम पूरी लाइन में करते हुए ये बनाएंगे। उसके बाद फिर तीन चेन लेंगे, फिर इसी में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में पहले सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर तीन चेन ली, और फिर इसी में हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने यहाँ पे एक बीच में ये छोड़ा था, अब हम यहाँ पे इस तरीके से दो चेन लेंगे यहाँ पे, और फिर ये बीच में इस जो बीच में छोड़ा था एक इसको और ये बीच वाली लाइन, इन दोनों को मिला के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर दो चेन लेंगे, उसके बाद उससे अगले वाली जहाँ हमारा ये पफ बना है इन्हीं के ऊपर से हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद इसी में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में पहले सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीन चेन, दो तीन, फिर इसी में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में पहले सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीन चेन बनाएंगे, दो तीन, फिर इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में हर एक जो चेन बनी है उसमें इसी तरीके से बनाते हुए हम जाएंगे। तीन चेन बनाएंगे ऐसे, फिर इसी होल में फिर सिंगल क्रोशिया।
अब ये जो बीच में हमने यहाँ पर छोड़ा था, तो पहले हम यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ जो इसमें डालेंगे क्रोसिया, फिर ये दो ऊपर वाली चेन है दोनों को मिला के इस तरीके से सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ जहाँ से हमने ये पांच पफ बनाए हैं तो ऐसे ही इनके ऊपर पहले तो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद फिर इसी होल से फिर सिंगल क्रोसिया बनाएंगे, तो ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये बनाई है। इसके ऊपर ऐसे ही पूरी किनारी बनाते हुए पूरा राउंड हम जब कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको दिखाएंगे, तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा राउंड इस तरीके से बना के हमने तैयार कर लिया है, और अब ये लास्ट में है तो यहाँ पे दो चेन बनाएंगे ऐसे, एक दो, और दो चेन बनाने के बाद में जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, और उनको यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये पूरी लाइन बना के और धागा कट कर लिया है, और जो धागा हमारा एक्स्ट्रा था उसको हमने नीचे की साइड में इस तरीके से नीचे निकाल दिया है, उसको हम गांठ वाँट लगा के उसको सही करके नीचे सेट कर देंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बना है, इसमें थोड़ी भूल कम थी इसलिए मैंने इसकी लाइनें और नहीं बढ़ाई, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया है। तो इसकी अब मैं आपको गिन के दिखाती हूँ कितनी लाइनें बनाई हैं मैंने। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो वहाँ से ये लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइनें बनी है पफ साइड। एक तो सिंगल थी जिसमें डबल डबल क्रोसिया लिए थे, दूसरी लाइन थी जिसमें हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाने के साथ में एक डबल क्रोसिया ली थी, दूसरी लाइन थी तीसरी हमारी जिसमें हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और दो डबल क्रोसिया लिए, ऐसे ही इसकी तीसरी लाइन बनाई थी जिसमें हमने फ्रंट पोस्ट बनाया दो डबल क्रोसिया लिए थे, तीसरी लाइन में हमने फ्रंट पोस्ट के साथ तीन डबल क्रोसिया बनाए थे, ऐसे ही इसकी चौथी लाइन बनाई थी जिसमें फ्रंट पोस्ट के साथ ये हमने तीन डबल क्रोसिया बनाए हैं, और उसके बाद ये पांचवी लाइन थी जिसमें हमने फ्रंट पोस्ट के साथ चार डबल क्रोसिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट की है, उसके बाद ये पफ बनाए हैं। वैसे इसके ऊपर आप पांच डबल क्रोसिया ले लेते और ये फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद में पाँच डबल क्रोसिया बनाते तो और इसका घेरा बढ़ जाता, जितना आप चाहें इतना बड़ा घेरा बन जाता, लेकिन इसमें थोड़ी सी भूल की कमी की वजह से इसको मैंने यहीं पर बंद कर दिया है। तो आपको ये कैसी लगी ये डिज़ाइन लड्डू गोपाल की, और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो और गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।